हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसका नेम है टेस्ट क्रॉस। मैं कहता हूँ कि इसका एक एक पॉइंट आपको समझना चाहिए, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि आप इसको जो है नेक्स्ट एलैबोरेट कर सकें। अगर आपके पेपर में आए डिफाइन शॉर्ट टेस्ट क्रॉस, तो आप इसको लिख सकें। देखें जी, सबसे पहली बात है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको ना एक चीज़ का क्लियर होना चाहिए, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप भी कहेंगे कि वाकई ही एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप मेंडल ट्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है जी, मेंडल ने जो ट्रेट्स स्टडी किए थे, उनमें से ना मैं एक दो ट्रेट्स लिख देता हूँ। एक लिखता हूँ जी सीड की शेप, और सीड की शेप के साथ सीड का कलर, ये मैं जो है दो का लिख देता हूँ, ठीक है जी। टेस्ट क्रॉस के बाद अगला जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, क्योंकि बुक में आपका भी टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस के बाद नेक्स्ट हमारा वो लेक्चर होगा, उसके बाद मैं वो स्टार्ट करूंगा, आप अभी टेस्ट क्रॉस को देखें जी। बात हम करते हैं सीड शेप की। स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बड़ी डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि मेरे पास ना ये एक सीड है, ये है राउंड, ठीक है जी। अब ये जो सीड है, ये है जी रिंकल्ड। बहुत कंफर्म है आपको कि दोनों कैपिटल आर हैं, ये स्मॉल आर है, ये राउंड है और वो क्या है, रिंकल्ड। अब मैं ना इन दोनों का जब क्रॉस करवाऊंगा ना, तो क्रॉस करवाने के बाद अगर मैं आप क्रॉस करवा ही दूँ, देखें जी मैं यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बना लेता हूँ, तो इनको जो है आप फिर क्रॉस भी करवाऊँगा, आपको दिखाऊँगा भी कि हमारे पास जो जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है कि जब भी गैमेट की फॉर्मेशंस होती है ना, ये एक है गैमेट, ये एक सेल है, इससे जब दो गैमेट बनेंगे तो आपको पता है कि अलील सेग्रीगेट हो जाती हैं और एक एक कॉपी चली जाती है उनके अंदर। मीन के इसके अंदर दो अलील हैं, एक इसको मदर से आई थी, एक फादर से आई थी, आगे गैमेट बनेंगे तो दोनों के अंदर एक एक। इसी तरह जब इसके गैमेट बनेंगे तो इसके गैमेट के केस में भी दो गैमेट में एक स्मॉल आर और स्मॉल आर अलग-अलग चला जाएगा, ठीक है जी। अब हम दोनों का क्रॉस करवाते हैं। लें जी, मेरे पास ये आ गया जी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। जब आप इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस आर को फिर इस आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तमाम के तमाम जो हैं होमोजाइगस हैं, सॉरी तमाम के तमाम हेट्रोजाइगस हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर ये दो अलील जो हैं, एक कैपिटल आ जाए दूसरी स्मॉल आ जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोजाइगोट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर टोटल कितनी तरह के सीड बने हैं, 4, और हम इसको कहते हैं जी सब की एक ही रेशो है, मतलब 1:1:1:1 है, ठीक है, बल्कि हम इसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल आर राउंड, ठीक है, सारे के सारे क्या है, राउंड। अगला क्वेश्चन है कि अब मैं इनका ना आपस में क्रॉस करवाता हूं, मतलब कि इन दो सीड का, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो सीड लेता हूं, इन दो सीड के आपस में कराता हूं क्रॉस, ठीक है जी। जब मैं स्टूडेंट इनका क्रॉस करवाता हूं, तो वही उसी तरह मुझे जो है वो बनाना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट रूल, सॉरी इसका पुनेट स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं हम इसको। जब ये मैं इसका बनाऊंगा तो क्या होगा कि इसके अंदर ना, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या लिखना है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है।
ये कौन सी जनरेशन चल रही है? F1। F1 का जब आपस में क्रॉस करना, जो अगली जनरेशन आएगी वो क्या आएगी? F2। ठीक है, और ये क्या है? पेरेंट्स। कैपिटल R, कैपिटल R, क्योंकि इस R को इस R के साथ, फिर इस R को अगले के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल R, स्मॉल R, स्मॉल R, कैपिटल R, स्मॉल R, स्मॉल R। ये रेशो जो आ रही है, ये रेशो आ रही है 3:1। ठीक है जी, मतलब 3 राउंड है। अब यहाँ पे ना हमारा टेस्ट क्रॉस स्टार्ट होने लगा है। मुझे ये बताएं कि ये जो आपको सीड नजर आ रहा है, ये क्या है? राउंड। अच्छा, शाबाश। मुझे ये बताएं कि ये जो सीड नजर आ रहा है, ये क्या है? राउंड। दिखने में फिजिकली ये राउंड है, लेकिन एक जो है वो होमोजाइगस है और एक क्या है? हेटरोजाइगस। लेकिन हमें दिखने से नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 6'2", ठीक है, पता नहीं मेरी बॉडी में दोनों ही अलील डोमिनेंट हैं, या हो सकता है एक डोमिनेंट है और एक डवाफ अलील भी मेरी बॉडी में हो, आपको नजर तो नहीं आ रही। इसके लिए, ये चेक करने के लिए कि ये ऑर्गेनिज्म टाल है लेकिन होमोजाइगस टाल है या हेटरोजाइगस टाल है, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। समझ आ रही है? होमोजाइगस हेटरोजाइगस का पता चल गया, जो जीन एक्सप्रेस हो जाए डोमिनेंट, जो छुप जाए वो रिसेसिव। अब हमने ना इस क्रॉस को चेक करना है। ले जी, हमें बनाने पड़ेंगे 2 क्रॉस। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये 2 मेरे पास मेल हैं और दोनों ही राउंड हैं, फर्ज कर लें। मैंने इन दोनों का जिस फीमेल के साथ क्रॉस करवाना है ना, वो रिंकल्ड होनी चाहिए, ये शर्त है। क्या होनी चाहिए? रिंकल्ड। ये शर्त क्यों है? क्योंकि रिंकल्ड में हमें कंफर्म है दोनों ही अलील क्या हैं? स्मॉल आर हैं। समझ आ रही है? देखें जी, अब मैं सबसे पहले इस कैपिटल आर की इसके साथ क्रॉस करवाता हूं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है जी, जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा ना, वो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सारे के सारे क्या है? राउंड। समझ आ रही है? इसका मतलब है कि ऑल राउंड। अभी ये लिख लें इसको, अगला मैं इसको दूसरा बाद में डिस्कस करता हूं। अब ना इसी फीमेल का मैं इसके साथ क्रॉस करवाता हूं। करवाने के बाद क्या होगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमेट बनाए स्मॉल आर, स्मॉल आर। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। कितने राउंड हैं? 2 राउंड हैं और 2 रिंकल्ड हैं। अगर सारे के सारे राउंड आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट था। अगर आधे राउंड और आधे रिंकल्ड आ जाएं तो इसका मतलब है ये हेटरोजाइगस था। ठीक है जी, इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। और इसको हम मेंडल टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। इसको मैं जरा आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ आसानी के लिए। तो एक मेरे पास मेल है जिसकी फीट है 6 फीट, जिसकी हाइट है 6 फीट। ठीक है जी, मैं चेक करना कि वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस, उसका मैं क्रॉस कराऊंगा एक फीमेल के साथ। अब मुझे ये बताएं, फीमेल होमोजाइगस डोमिनेंट होगी या रिसेसिव? रिसेसिव। जो फीमेल है वो रिसेसिव होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी रिसेसिव है। मेरे पास एक मेल है, मेल की हाइट ज़्यादा है, मैं उसका क्रॉस कराऊंगा एक फीमेल के साथ जो छोटी हाइट की होगी। जब मैं क्रॉस करवा के अगले सारे के सारे बच्चे हाइटेड होंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो मेल है वो हेटरोजाइगस नहीं है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर आधे बच्चे हाइटेड होंगे आधे स्मॉल होंगे, तो इसका मतलब है जो मेल है वो हेटरोजाइगस है, उसके अंदर एक कैपिटल हाइटेड का जीन है और एक डवाफ है। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के बाद हम जो है नेक्स्ट उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है जी, बाकी इसमें से अगर आपका कोई पॉइंट हो तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करिएगा। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू।